हेलो दोस्तों, द एजुकेशनल केयर में आपका स्वागत है। मैं हूँ अभिषेक और आज हम लोग बिहार दरोगा मद निषेध का जो 28 तारीख को एग्ज़ाम होता है उसका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन आया था। अमाशय द्वारा कौन सा अम्ल स्रावित होता है? तो HCl होता है। अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। कोस्ट गार्ड का स्थापना कब हुआ था? 1 फरवरी 1977 को। मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। भारत आने वाले पहले विदेशी यात्री कौन थे? मेगास्थनीज। धनु सुरभि किसका पर्यायवाची शब्द है? गाय का। जी आकाश किस खेल से संबंधित है? शतरंज। सात्विक साइरस रेड्डी ने कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बैडमिंटन में स्मैश करने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? 365 किलोमीटर प्रति घंटा। वेस्टर्न लेन पुस्तक के लेखक कौन है? चेतना मारो। सतलज नदी से प्राप्त टेंटेलम क्या है? एक दुर्लभ धातु है। भारत में कौन सी सेना 360 डिग्री मूल्यांकन करेगी? नौसेना। PSLV C-58 को किसके साथ लॉन्च किया जाएगा? एक्सपोसेट मिशन के साथ लॉन्च किया जाएगा। लेमारू हाथी रिजर्व किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में है। वेलाडीला खान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। 16वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष 1 जनवरी 2024 तक कौन थे? प्रोफेसर अरविंद पनगढ़िया थे। आयरन, हीलियम, फेरस, थाइलियम में कौन सा संक्रमण धातु है? आयरन। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर का। ट्रांस साइबेरियन की लंबाई कितनी है? 9,289 किलोमीटर। कालेश्वरम परियोजना किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर। ही वाज जेलस डैश हर सक्सेस ऑफ हर सक्सेस। हाथियों की सुरक्षा के लिए भारतीय रेलवे ने कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित किया है? गजराज सुरक्षा कवच। नमस्ते पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? आयुष मंत्रालय ने। भारत लोकतंत्र का जननी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? संस्कृति मंत्रालय ने। सूचकांक नियामक ढांचा किसके द्वारा पेश किया जाता है? सेबी के द्वारा। भारत से रेड ऑरोरा कहाँ देखा गया है? मेराक वेधशाला लद्दाख में। गौरी लंकेश मेमोरियल अवार्ड किसे दिया गया है? रवीश कुमार को। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री किससे चुनता है? बहुमत दल के नेता को। इनमें से कौन संतुलित समीकरण नहीं है? FeCl2 FeCl3। फ्रांस में अंतिम रूप से दास्ता प्रथा का अंत कब किया गया? 1848 ईस्वी में। निम्न में से कौन सा साम्यवादी है? ब्यूटेन एंड 2-मिथाइल प्रोपेन। डेजर्ट साइक्लोन युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच होता है? भारत और UAE के बीच। खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए। अर्थव्यवस्था में विनिर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। कृषि में कौन सा बेरोजगारी देखने को मिलता है? छिपी हुई बेरोजगारी। वुमेन AIDDHM किसे नियुक्त किया गया है? मनीषा पाढ़ी को। पानी में पड़ा हुआ सिक्का किसके कारण ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। उगादी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक में। असहयोग आंदोलन किस कारण से स्थगित किया गया था? चौरी चौरा कांड के कारण। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस किस दिन मनाया गया है? 15 अक्टूबर को। उत्तराखंड में किस सुरंग में मजदूर फंसे हुए थे? सिल्कियारा के निर्माणाधीन सुरंग में। शिलालेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पुरालेख कहा जाता है। 1861 में संयुक्त इटली के राजा कौन थे? विक्टर इमानुएल। पिता से प्राप्त एक्स क्रोमोसोम के आधार पर क्या होता है?
लड़की का जन्म होगा। ठोस से बिना द्रव में बदले गैस में बदलने की घटना क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के लेखक कौन है? नेल्सन मंडेला। मानवाधिकार का पहला टीवी चैनल कहाँ शुरू किया गया? लंदन में। इनमें से किस पदार्थ को स्वर्ण रेखा यानी गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है? जूट को। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन है? गोदावरी। 1878 में IFRI की स्थापना भारत के किस शहर में हुई थी? देहरादून में। गंगा की सहायक नदी नहीं है तो ब्यास जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है। कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। 1840 ईस्वी तक ब्रिटेन का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा था? कपास। सर्वाधिक प्रत्यास्था वस्तु कौन है? स्टील। प्रांकुर और मूलांकुर किसके भाग हैं? बीज के। काला पानी विवाद किस दो देशों के बीच है? भारत और नेपाल के बीच। प्राथमिक घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटा, ब्याज अदायगी। वामाको किस देश की राजधानी है? माली की। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? भारत में गरीबी का अनुमान घरेलू उपभोग व्यय के आधार पर लगाया जाता है। क्वीन ऑफ ग्रेटिट्यूड फिल्म के निर्देशक कौन है? विकास खन्ना। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। यूनान को स्वतंत्रता किस संधि के तहत मिला था? कुस्तुस्तुनिया की संधि से मिला था। 200 वर्ष से बांस बूंद सिंचाई योजना भारत के किस राज्य में प्रयोग की जाती है? मेघालय में। सौर ऊर्जा बल्ब जलने से कौन से ऊर्जा का परिवर्तन होता है? सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। हम सिनेमा देखने जा रहे हैं में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। गिफिन वस्तु क्या है? जिस वस्तु का कीमत बढ़ाने के बाद मांग बढ़ता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।